Getting Started with Functions पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फंक्शन परिभाषित करना, आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शंस परिभाषित करना और डॉक स्ट्रिंग्स का उपयोग करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 16.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, Python 3.4.3 और IPython 5.1.0। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्यूपल्स का उपयोग कैसे करना है। यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर प्रासंगिक पाइथन ट्यूटोरियल देखें। सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। एक बड़े प्रोग्राम के भीतर फंक्शन कोड का एक हिस्सा है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। कोड को पुनः उपयोग करने और बेकार कोड को समाप्त करने के लिए फंक्शंस उपयोगी हैं। फंक्शंस का उपयोग हमारे कोड को प्रबंधनीय ब्लॉकों में व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ फंक्शंस को परिभाषित करने के लिए सिंटैक्स है। def कीवर्ड है जो फंक्शन के नाम को परिभाषित करता है। फंक्शन नाम के अंत को चिन्हित करने के लिए कॉलन का उपयोग किया जाता है। doc string documentation string है जो ये बताता है कि फंक्शन क्या करता है। यह एक वैकल्पिक है लेकिन अनुशंसित है। स्टेटमेंट फंक्शन बॉडी बनाता है और इसमें 4 इंडेंटेशन लेवल होना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के लिए है और ये 4 रिक्त स्थान द्वारा भी इंडेंट है। अब फंक्शन को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक गणितीय फंक्शन पर विचार करें, f of x is equal to x squared। यहाँ x एक वेरिएबल है। f of x परिवर्तित होता है जब x परिवर्तित होता है। फंक्शन f of x को परिभाषित करते हैं। पहली लाइन def f of x का उपयोग फंक्शन नेम और इसके पैरामीटर को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। दूसरी लाइन अपेक्षित वैल्यू रिटर्न करने के लिए फंक्शन पैरामीटर्स का उपयोग करती है। IPython शुरू करें। टर्मिनल खोलें। IPython 3 टाइप करें और एंटर दबाएं। यहां से याद रखें कि टर्मिनल पर प्रत्येक कमांड टाइप करने के बाद एंटर दबाना है। टाइप करें def f ब्रैकेट्स में x कॉलन रिटर्न x एस्ट्रिक x और दो बार एंटर की दबाएं। f of x को विभिन्न आर्गुमेंट्स के साथ कॉल करें। टाइप करें f ब्रैकेट्स में 2 f ब्रैकेट्स में 2.5। यह क्रमशः 4 और 6.25 रिटर्न करता है। अब देखते हैं कि आर्गुमेंट्स के बिना फंक्शन कैसे लिखते हैं। दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें। यह greet नामक नए फंक्शन को परिभाषित करता है जो no function arguments प्रिंट करेगा। अब हम greet open और close parentheses फंक्शन को कॉल करेंगे। ध्यान दें कि यह अनिवार्य नहीं है कि फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करेगा। फंक्शन greet ना तो कोई आर्गुमेंट्स लेता है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम सीखेंगे कि कोड में कमेंट कैसे करना है। डॉक्यूमेंटिंग और कमेंटिंग कोड एक अच्छा अभ्यास है। doc strings फंक्शन डेफिनेशन के बाद प्रविष्ट ट्रिपल कोट्स कमेंट्स हैं। यह सूचित करता है कि फंक्शन क्या करता है। हम एक फंक्शन लिखते हैं जो दो संख्याओं का औसत रिटर्न करता है। दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें और दो बार एंटर की दबाएं। ट्रिपल कोट्स के भीतर कमेंट्स कोड के बारे में स्पष्ट व्याख्या देते हैं। टाइप करें एवीजी क्वेश्चन मार्क। यहां हम फंक्शन एवीजी का डॉक स्ट्रिंग देख सकते हैं। अब फंक्शन एवीजी में आर्गुमेंट्स ए और बी के लिए 3 और 5 वैल्यूज रखते हैं। टाइप करें avg ब्रैकेट्स में 3.5। हमें आउटपुट के रूप में 4.0 मिलता है। वीडियो को रोकें, इसका अभ्यास करें और वीडियो को फिर से शुरू करें। एक सर्कल फंक्शन लिखें जो दिए गए त्रिज्या r के साथ सर्कल के एरिया और पेरीमीटर को रिटर्न करता है। हल के लिए टर्मिनल पर जाएं। दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें।
दो बार एंटर की दबाएं। सर्कल फंक्शन को दो वैल्यूज रिटर्न करने की आवश्यकता है। पाइथन फंक्शन ट्यूपल के रूप में किसी भी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। सर्कल फंक्शन को कॉल करते हैं। a कॉमा p इज इक्वल टू सर्कल ब्रैकेट्स में 6। अब टाइप करें प्रिंट ब्रैकेट्स में a कॉमा p। हम आउटपुट त्रिज्या 6 के सर्कल के एरिया और पेरिमीटर के रूप में देख सकते हैं। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पाइथन में फंक्शंस परिभाषित करना, फंक्शन नाम को निर्दिष्ट करके फंक्शन कॉल करना, फंक्शन को ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग में रखकर डॉक स्ट्रिंग्स लिखना, फंक्शन में पैरामीटर पास करना, फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न करना। यहां हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं। पहला, पाइथन फंक्शन के लिए कितने आर्गुमेंट्स पास किए जा सकते हैं। दूसरा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फंक्शन लिखें। और उत्तर है, पहला, पाइथन फंक्शन के लिए किसी भी संख्या का आर्गुमेंट्स पास किया जा सकता है। दूसरा, आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम फंक्शन निम्न प्रकार लिख सकते हैं, def rectangle underscore area ब्रैकेट्स में l कॉमा b कॉलन रिटर्न l asterisk b। कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें। कृपया पाइथन से संबंधित अपने सामान्य प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें। फॉसी टीम टीबीसी परियोजना का समन्वय करती है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।